तो बच्चों अब हम लोग आर्किमिडीज का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। ये है आपका लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं और हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से 10 तक बच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग टेकअप करने जा रहे हैं। जरा ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला हिस्सा देखिए विजिबल हो रहा है, चेक करिए विजिबल हो रहा है प्रॉपर। भाई ये विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, देखिए प्रॉपर देखिए। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 मैंने विजिबल कर दिए हैं। ये क्वेश्चंस बड़े बारीक है, इसमें एक्स्ट्रा अटेंशन पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यू आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो आयरन बॉल ए ऑफ वॉल्यूम 15 cm³। बच्चे आप ध्यान दो, यहां पे एक हॉलो आयरन बॉल दी गई है, यहां मैं लिख दे रहा हूं हॉलो आयरन बॉल दी गई है, वॉल्यूम 15 cc, मास 12 ग्राम। इसका वॉल्यूम बच्चे 15 cc है और मास आपके पास 12 ग्राम दिया गया है। एंड अ सॉलिड आयरन बॉल बी, ये है बॉल ए और सॉलिड आयरन बॉल आपको बी दी गई है। इसको सॉलिड के लिए मैं ऐसे फिल करके दिखा दे रहा हूँ और यहाँ लिख ले रहा हूँ ये सॉलिड आयरन बॉल है। सॉलिड आयरन बॉल बी मास 12 ग्राम, इसका भी मास आपको दिया गया है 12 ग्राम दिया गया है। बोथ आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ लार्ज टब, फाइंड अपथ्रस्ट ऑन ईच बॉल। तो पहले हम लोगों को निकालना है बच्चों अपथ्रस्ट, क्या निकालना है अपथ्रस्ट निकालना है, पहले हम लोगों को निकालना है अपथ्रस्ट। और दूसरा पूछा गया है विच बॉल विल सिंक, यानी कौन सी बॉल इसमें से सिंक कर जाएगी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। और बच्चों इन्होंने डेंसिटी ऑफ आयरन ये दे रखी है 8 ग्राम पर cc, 8 ग्राम पर cc आपको डेंसिटी ऑफ आयरन दे रखी है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान दें कि हॉलो आयरन बॉल दी हुई है। अब 15 cc, मास 12 ग्राम, ठीक है। तो अपथ्रस्ट निकालने जा रहे हैं, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी एल जी, वॉल्यूम आपके पास दिया गया है 15 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो दी गई है, हाँ जी अपथ्रस्ट ऑन बॉल विस जस्ट अ सेकेंड, अरे बेटे 8.5 cc, कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट प्लीज, अपथ्रस्ट ऑन बॉल 8 दिया गया इधर, ध्यान से इसको करने दीजिए एक सेकेंड के लिए। आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। या मास दिया है वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास आपका 12 ग्राम है और डेंसिटी 8 है, यानी 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी 1.5 cc, 1.5 cc हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये फुल्ली सब वेट बारह लिए, ठीक। अब इसका भी वॉल्यूम निकाला है, जरा इसको डिकोड करना पड़ेगा ध्यान से। बच्चे देखें तो इसका जो
वेट दिया गया है, मैं अलग कलर से इसको बना रहा हूं, इस ए बॉल का जो वेट होगा वो 12 ग्राम दिया है, यानी हम इसको 12 ग्राम फोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 12 ग्राम फोर्स। और बच्चों इसका जो अपथ्रस्ट यू लगेगा, तो अपथ्रस्ट यू इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी एल जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा वी डी एल जी। तो बच्चों ये अपथ्रस्ट मैक्सिमम है, पर हमें नहीं मालूम ये बॉल आधा डूबी है कि पूरा डूबी है। हम ये मान के चलते हैं अगर इस बॉल को हम पूरा डुबा देते हैं है, तो सबमर्ज वॉल्यूम टोटल आ जाएगा। तो सबमर्ज वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा? 15 सीसी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर मतलब 1 ग्रेविटी 1, यानी ये हो जाएगा 15 ग्राम फोर्स। ये आपका मैक्स अपथ्रस्ट है जो इस पे लग सकता है, है? अब आप देखिए वेट कितना है, 12 ग्राम फोर्स, मैक्सिमम अपथ्रस्ट कितना है 15 ग्राम फोर्स। तो अपथ्रस्ट 15 है और वेट कितना है 12 है, तो बॉडी फ्लोट करेगी या सिंक करेगी? फ्लोट करेगी, यानी सीधे सीधे हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी। अब जैसे ही बॉडी फ्लोट करेगी, जरा विशेष ध्यान दीजिएगा, बस यही पॉइंट इसमें थोड़ा सा पकड़ने वाला था। जैसे ही आपने निकाला कि बॉडी फ्लोट करेगी, यहां प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लग जाएगा, यानी वेट ऑफ बॉडी किसके बराबर हो जाएगा? अपथ्रस्ट के बराबर। भाई फ्लोट करते समय वेट और अपथ्रस्ट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि वेट ऑफ बॉडी आपका कितना है 12 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, यानी अपथ्रस्ट लग कितना आ रहा है उसके पास 12 ग्राम फोर्स। यहां बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, वेट ऑफ बॉडी और अपथ्रस्ट ये कंडीशन फ्लोटेशन पे वैलिड होती है कि नहीं? अरे मूर्खों के देवता, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वेट 12 ग्राम फोर्स है और जो अपथ्रस्ट लग सकता है वो 15 ग्राम फोर्स है? क्या ज्यादा हो रहा है? इसका क्या मतलब है? बॉडी फ्लोट करेगी कि नहीं करेगी? तो जब फ्लोट करेगी तो वो कंडीशन वैलिड हुई कि नहीं वैलिड हुई? भाई स्पेशल का मतलब ये थोड़ी ना कि आबे हयात से निकाल के लेके आए हैं, पहले हमने प्रूफ किया है कि बॉडी फ्लोट करेगी कि नहीं करेगी। अब आई एम सॉरी, अब जब हमने प्रूफ कर दिया कि बॉडी क्या करेगी? फ्लोट करेगी, तो ड्यूरिंग फ्लोटेशन वेट ऑफ बॉडी अपथ्रस्ट के बराबर होता है कि नहीं होता है? अब वेट ऑफ बॉडी 12 ग्राम फोर्स है तो अपथ्रस्ट कितना होगा? 12 ग्राम फोर्स। और वही अपथ्रस्ट आपका दिया गया अपथ्रस्ट ऑन बॉल ए 12 ग्राम फोर्स। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही तो बता रहा हूं कि इसके क्वेश्चन थोड़े पेचीदा है, ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा अब समझ में आ गया है आपको? अब ध्यान दीजिए, यहां ध्यान देते हैं बच्चों, आप यहां ध्यान दो, सॉलिड आयरन बॉल है तो देख के ऐसे ही लग रहा है कि सॉलिड आयरन बॉल है तो क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। पहले तो हम यही देख लेते हैं बच्चे कि इसका वेट जो नीचे की ओर काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है? 12 ग्राम फोर्स। और आप बच्चे ध्यान दीजिए कि जो अपथ्रस्ट मैक्सिमम होगा वो क्या होगा? वी डी एल जी होगा। वॉल्यूम इसका कितना निकाल के आया है? 1.5। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर 1 और ग्रेविटी 1, यानी 1.5 ग्राम फोर्स। यानी पूरा डूबने के बाद भी ये जो अपथ्रस्ट ऊपर लगा रहा है वो 1.5 ग्राम फोर्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बच्चा ध्यान दे रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, शाबाश बेटा। तो 1.5 ग्राम फोर्स, देखिए ऐसे ही तीव्र कंसंट्रेशन से हम लोग नीचे से टॉप करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि 1.5 ग्राम फोर्स, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि यहां वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट क्या है? कम है, यानी मैक्सिमम अपथ्रस्ट भी क्या है बताइए? कम है। तो बॉडी सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी बताइए? बॉडी सिंक करेगी, यानी हम यहां लिख देते हैं बॉडी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। तो जाहिर सी बात है जो अपथ्रस्ट है वो मैक्सिमम दैट इज 1.5 ग्राम फोर्स अप्लाई होगा और बॉल बी क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का समापन हुआ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आने जा रहे हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दे बच्चे, कह रहा है सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 किलोग्राम इतना मीटर क्यूब। ये सॉलिड है
और इसकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेट 0.5 केजीएफ इन एयर, यानी वेट इन एयर है 0.5 केजीएफ। अच्छा, कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर ऑफ डेंसिटी इतना, कैलकुलेट एपरेंट वेट। बच्चे जानते हैं फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, एपरेंट वेट इज इक्वल टू होता है वेट इन एयर माइनस, ध्यान दीजिए एपरेंट वेट क्या होता है, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, वेट इन एयर आपका दिया गया 0.5 के जी, अपथ्रस्ट हो जाएगा वीडीएल जी इज इक्वल टू 0.5 माइनस। अब बच्चे ध्यान दें, यहां वेट इन एयर 0.5 केजीएफ दिया है, इससे मास आपका हो जाएगा 0.5 केजी, ठीक है। तो बच्चे ध्यान दो, सॉलिड के लिए एम इज इक्वल टू वी डी, तो वी इज इक्वल टू एम अपॉन डी, मास ऑफ सॉलिड बच्चे 0.5 केजी है और डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई 5000 है, पॉइंट हटा जीरो बड़ा ये कट गया, यानी 1/10^4 इज इक्वल टू 10^-4 मीटर क्यूब, 10^-4 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। तो हम यहां पे वॉल्यूम रख देते हैं 10^-4 मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये कितना हो जाएगा 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे और ऐसे ही ध्यान देके पढ़ाई करेंगे इंटू वन, ठीक है बेटा, ऐसे ही समर्पण आपका बना रहना चाहिए। तो यहां हो जाएगा 10^-4+3, ये हो जाएगा 0.5 - 10^-1, और इसके बाद ये हो जाएगा 0.5 - 0.1, और ये हो जाएगा 0.4 किलोग्राम फोर्स। तो एपरेंट वेट जहां तक हम देख पा रहे हैं ये कितना होगा 0.4 किलोग्राम फोर्स, 0.4 किलोग्राम फोर्स, यही आपका आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कंप्लीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों अब हम आगे देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर भी खास ध्यान देना होगा। क्वेश्चंस मैंने डिस्प्ले करा रखा था 4 और 5, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, टू स्फीयर्स ए एंड बी ईच ऑफ वॉल्यूम 100 cc, बच्चों ये है ए, ये है बी, इसका वॉल्यूम है 100 cc, इसका भी वॉल्यूम है 100 cc, क्लियर है। आर प्लेस इन वॉटर, स्फीयर ए इज मेड अप ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.3, बच्चे ध्यान दे ये बना हुआ है वुड का और डेंसिटी ऑफ वुड ये आपको दी गई है 0.3 ग्राम पर सीसी, एंड स्फीयर बी इज मेड अप ऑफ आयरन ऑफ डेंसिटी 8.9, ये बच्चों IRON आयरन का बना है और डेंसिटी ऑफ आयरन आपको 8.9 ग्राम पर सीसी दे दी गई है, ठीक है, 8.9 ग्राम पर सीसी दे दी गई है। सवाल यह है वेट ऑफ ईच स्फीयर अपथ्रस्ट ऑफ ईच स्फीयर, यानी आपको वेट ऑफ ईच स्फीयर और अपथ्रस्ट ऑफ ईच स्फीयर निकालना। तो आइए बच्चों इसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम आपको दिया गया है 100 cc, डेंसिटी 0.3 ग्राम पर सीसी, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 30 ग्राम, कितना आ जाएगा 30 ग्राम। ऐसे ही यहाँ पे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 100 है, डेंसिटी 8.9 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 890 ग्राम। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया कि वेट निकालिए, बच्चों जो मास है इसी को आप वेट में बदल के क्या लिख सकते हैं 30 ग्राम फोर्स, जो मास है उसी को आप वेट में बदल के क्या लिख सकते हैं 890 ग्राम फोर्स,
तो देखिए वेट वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया है, 30 ग्राम फोर्स एंड 890 ग्राम फोर्स। इसके बाद पूछा गया है कि आप दोनों पे अपथ्रस्ट निकालिए। ध्यान दीजिए, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वी डीएल जी, यहां पे भी आपका अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वी डीएल जी। तो बच्चे यहां पे जो वॉल्यूम दिया गया है 100 सीसी दिया है, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको किसमें डाला गया है, इसको वाटर में, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स। तो पहले में जो अपथ्रस्ट आ रहा है वो, अब यहीं पे एक चीज हमें फिर से बच्चों देखनी पड़ेगी जो कि बहुत ही जरूरी है, जरा विशेष ध्यान दें। यहां पे आपने इसका वेट देखा था कितना आ रहा था, 30 ग्राम फोर्स, याद है कि नहीं याद है। और ये जो अपथ्रस्ट निकाला है अगर पूरा डुबा देंगे तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट कैसा आ रहा है, मैक्सिमम अपथ्रस्ट। अब आप ये बताओ कि अपथ्रस्ट लगाने की मैक्सिमम कैपेसिटी 100 ग्राम फोर्स है अगर पूरा डुबा दें और वेट मैक्सिमम 30 ग्राम फोर्स है, तो बॉडी क्या करेगी बच्चों बताओ, सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगी। यही पेचीदगी थी इसमें, बॉडी फ्लोट करेगी। जैसे ही फ्लोट करेगी बॉडी तो आप ध्यान देंगे इसमें फ्लोटेशन का प्रिंसिपल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। अब बच्चों अपथ्रस्ट इज इक्वल टू अब किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी, कितना है बताओ 30 ग्राम फोर्स। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू ये होगी ना कि ये वाली वैल्यू होगी। यार ये तुम्हें ये चेक करने में मदद कर रहा है कि मैक्सिमम कितना अपथ्रस्ट लग सकता है, ये लग सकता है। तो फ्लोट का कंडीशन निकाल लिया, और व्हाइल फ्लोटिंग अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, तो हमारा जो अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर है, वेट 30। तो यानी अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, 30 ग्राम फोर्स लग रहा है। इसके बाद बच्चे यहां पे ध्यान दें कि यहां पे भी ध्यान देंगे, इसका वेट बच्चों अभी हमने निकाला था 890 ग्राम फोर्स, और यहां पे अगर आप अपथ्रस्ट मैक्सिमम निकालें तो वॉल्यूम 100 है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 है, और ग्रेविटी कितनी है 1, यानी कितना हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स। यार अपथ्रस्ट केवल 100 है, वेट 890 है, बॉडी सिंक करेगी फ्लोट करेगी, बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक, SINK, बॉडी सिंक कर जाएगी। जब बॉडी बच्चे सिंक कर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो मैक्सिमम अपथ्रस्ट है 100 ग्राम फोर्स वही लग रहा होगा, यानी यहां पे जो अपथ्रस्ट का वैल्यू है वो 100 ग्राम फोर्स है, लेकिन यहां पे 100 नाव के कितना है 30 है, ये फर्क। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इन्होंने कहा विच स्फीयर विल फ्लोट, तो जाहिर सी बात है ये फ्लोट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ रहे हैं, तीन लास्ट क्वेश्चन बचे हैं हम लोगों के, 6, 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, मास ऑफ अ ब्लॉक मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल इज 13.5 केजी एंड वॉल्यूम इज दिस। यानी एक बॉडी है, उस बॉडी का मास आपको दिया गया है 13.5 केजी, और बॉडी का जो वॉल्यूम दिया गया है वो 15 × 10⁻³, 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब दिया गया है। कैलकुलेट अपथ्रस्ट ऑन ब्लॉक इफ इट इज हेल्ड फुल्ली इमर्ज इन वॉटर। बहुत आसान, पहला पॉइंट देखेंगे बच्चों, अपथ्रस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी डी एल जी, यह पूरा वॉल्यूम अंदर घुसा हुआ है, यानी वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज 15 × 10⁻³। अच्छा ये मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। और अपथ्रस्ट आपको निकालना है तो अब देखेंगे जी की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो +3 − 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 15 किलोग्राम फोर्स इज द आंसर, और जैसा मैं चेक कर पा रहा हूं 15 kgf इज द आंसर। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है बच्चों
विल द ब्लॉक फ्लोट सिंक इन वॉटर व्हेन रिलीज्ड? जरा ध्यान दो, ये जो बॉडी है, बॉडी का वेट नीचे कितना है, 13.5 kgf, और अपथ्रस्ट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 15 kgf। बताओ बच्चों बॉडी क्या करेगी, बताओ फ्लोट करेगी कि नहीं फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगी। इसलिए फ्लोट करेगी क्योंकि अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि बॉडी FLOAT क्या करेगी, फ्लोट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट व्हाइल फ्लोटिंग? यार देखो, फ्लोटिंग के समय जो अपथ्रस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, वेट के बराबर होता है, और वेट इसका कितना दिया हुआ है, 13.5 kgf। तो जो आंसर दिया गया है वो आपका 13.5 kgf। फ्लोट करते समय फ्लोट का कॉन्सेप्ट लगा देना, ठीक है? तो ये आपके सामने। अब आपके लास्ट चार क्वेश्चन बच गए, 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों हम लोग, और उसके बाद आर्किमिडीज पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पीस ऑफ ब्रास वेट 175 ग्राम फोर्स इन एयर। बच्चे ध्यान दें, यहां पे ब्रास है, इसका वेट इन एयर दिया गया है 175 ग्राम फोर्स, एंड 150 ग्राम फोर्स मैन इमर्ज इन वाटर, यानी वेट इन वाटर दिया गया है 150 ग्राम फोर्स। डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्रास पीस? बच्चे ध्यान दो, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, है ना? तो वेट इन एयर है 175 और वेट इन वाटर कितना है, 150 है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 25 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू VdLg, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों VdLg। अब ध्यान देंगे कि 25 ग्राम फोर्स V हमको निकालना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है, V इंटू 1 इंटू 1, यानी V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 cc हो जाएगी, V की वैल्यू 25 cc। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में पहला आंसर 25 cc दिया गया है। इन्होंने लिखा कि why does brass weighs less in water? यार कोई भी बॉडी अगर वाटर में डुबाई जाती है तो लेस क्यों फील होती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, अपथ्रस्ट, यानी वेट के ऊपर अपथ्रस्ट लगता है, तो अपथ्रस्ट वेट में से माइनस हो जाता है, तो जो फाइनल वेट लगता है वो क्या लगता है, लेस लगता है, इसीलिए आपको बताया गया है कि ये वेट लेस करेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10, इसमें हम लोग बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के पास आने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। मेटल क्यूब ऑफ एज 5 cm एंड डेंसिटी 9। अब ध्यान दीजिए, एक ऐसे मेटल क्यूब बनाया हुआ है, ऐसे ये आपके पास एक मेटल क्यूब बनाया गया है बेटा, ध्यान दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन प्लीज, ये एक मेटल क्यूब बनाया गया है, और बच्चों डेंसिटी 9 ग्राम पर cc, इसको एक धागे से ऐसे लटकाया गया है, ऐसे, इसका जो साइड है वो 5 cc है, और जो डेंसिटी है वो आपको दिया गया है 9 ग्राम पर cc, 9 ग्राम पर cc। कंप्लीटली इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर cc, इसको एक लिक्विड के अंदर, बच्चे ध्यान दें, कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया। ये मैं डायग्राम्स इसलिए ढंग से बनाता हूं ताकि आपको ये फीलिंग आ जाए कि क्या सिचुएशन हो रही है। अब बच्चे ध्यान दो, इसका वेट कहां काम करेगा, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या काम करेगा बताइए, अपथ्रस्ट काम करेगा, ऊपर की तरफ क्या काम करेगा, अपथ्रस्ट काम करेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये 1.2
ग्राम पर सीसी दिया गया। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। बच्चों ध्यान दो, टेंशन इन द थ्रेड मतलब थ्रेड के अंदर कितना खिंचाव है। टेंशन इज अ फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स। यार ये बताओ वेट में से क्या माइनस हुआ, अर्थरेस्ट, तो क्या आया एपरेंट वेट। वही एपरेंट वेट किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं कि टेंशन, टेंशन इन द थ्रेड, टी एच आर ई ए डी, ए आमिस हो गया, इज इक्वल टू वेट माइनस अर्थरेस्ट। और टेंशन इन द थ्रेड यही हमारा क्या है बच्चों, एपरेंट वेट है। तो वेट कितना है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, पहले हम ये निकालते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यार क्यूब है तो साइड क्यूब, पांच पचम पच्चीस, पंचे 125, 125 सीसी, और डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 9 ग्राम पर सीसी। तो हम ये कह सकते हैं 125 इंटू 9 ये 1125, यानी 1125 ग्राम, तो ये 1125 ग्राम फोर्स हो गया। इसके बाद आपसे पूछा गया है बच्चे अर्थरेस्ट, अर्थरेस्ट इज इक्वल टू वीडीएलजी, पूरा डूबा हुआ है तो वॉल्यूम 125, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब 1.2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यानी कि 125 इंटू 1.2 ये आपका कितना आ रहा है 150 आ रहा है। यानी 1125 में से क्या माइनस करेंगे, 150 ग्राम फोर्स माइनस करेंगे, तो माइनस 1125 यानी ये आ जाएगा 975 ग्राम फोर्स। और आंसर मैं देख पा रहा हूं 9.75 न्यूटन आ रहा है, 9.75 न्यूटन, मैंने 975 ग्राम फोर्स निकाला है। ठीक है, अच्छा एक बात बता दें आपको, थोड़ा सा इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम फोर्स, यानी 1, ध्यान दीजिए, यानी 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम फोर्स। तो बच्चों इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो 0.0975 किलोग्राम फोर्स आंसर आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और आप विशेष ध्यान दें, जैसे कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हैं विशेष तरीके से, तो उसी तरह से सबको ध्यान देना है कि ये आपका आ गया। और 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन आपको दिया गया क्वेश्चन में, यानी कि इसको 10 से गुणा कर देंगे तो कैसे बदल जाएगा न्यूटन में, तो 0.0975 इंटू 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.975 न्यूटन। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक डेसिमल गलत लग गया है 0.975, और यहाँ पे हो जाएगा 9.75 एंड दिस इज द आंसर 9.75। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे बच्चे जो यूनिट कन्वर्जेंस वाली बातें होती है यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यूनिट्स लर्न करना है, प्रॉपर लगाना है, डायग्राम बनाना है, सवालों के अंदर घुसना है, मोबाइल के अंदर नहीं घुसना है, सवालों के अंदर घुसना है। सर हम इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, सर हम इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम अच्छे बहुत हैं सर, तड़ातड़ फोन चल रहा है, एडिक्शन हो गया, फिर मुंह बना लिया, अच्छी बात। अब आप सोचिए ये सब देखने के बाद हमसे पूछा जाता है कि सर ये टाप क्यों नहीं कर रहा, हमने तो गांधी जी के नोट आपको दिए हैं, तो भाई वही नोट पहना दो बच्चे को, माथा पर चिपका दो एक बड़ा नोट, अभी आपका बच्चा डीएम बन जाएगा, क्यों सोने की सर्फी चिपका दो तो कहीं राष्ट्रपति ना बन जाए। अरे पढ़ने से कुछ होता है मेरे भाई, एक बच्चा मेरी बात को बहुत सीरियसली लेके दोबारा फोन चला रहा है, शाबाश बेटा, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, आ
आज की नारी क्या नहीं कर सकती, वो देश में आगे बढ़ के बॉयज से ज्यादा फोन चला के अपनी आंखों की रेटिना को सुखा सकती है और चश्मा पहन सकती है। उसी लिए बोला है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे। ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोटिंग ऑन वाटर विद इज डायमेंशन 50-50-50 इनसाइड वाटर। बहुत बढ़िया चीज बच्चों, एक कंटेनर है और इसके अंदर एक लकड़ी का गुटका है जिसका डायमेंशन 50x50x50 है और सारे के सारे बच्चों सेंटीमीटर में, सारे के सारे किसमें है, सेंटीमीटर में, ठीक है, सारे के सारे सेंटीमीटर में है। वो बच्चा देखो अभी जाएगा, अब प्रेशर कुकर खोल के 5 किलो पनीर खाएगा, कहेगा बप्पा आज बड़ी मेहनत किया हमने, है बात की नहीं। प्लीज प्लीज बी सीटेड, यू प्लीज बी सीटेड। अच्छा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनसाइड वाटर कैलकुलेट बॉयन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और जी की वैल्यू दी गई है ना। कीप क्वाइट, बच्चे ध्यान दें बेटा, बॉयन फोर्स एफ बी जो होता है वही आपका अपथ्रस्ट होता है और वो आपका हो जाएगा वी डी एल जी, है ना। अच्छा बच्चे वॉल्यूम देखिए 50/100 ये मीटर में बदला, फिर इंटू 50/100 ये मीटर में बदला, फिर इंटू 50/100 ये मीटर में बदला। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर ये आपको दी गई है बच्चों 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 न्यूटन दी गई है। जरा हम लोग ध्यान देंगे इस बात पे, 50 × 100, 50 × 100, 50 × 100, 2 × 4 × 8 यानी हो जाएगा 1000 × 9.8 / 2 × 4 × 8 यानी हो जाएगा 9800 भाई, एक हटा 9800 / 8 इज इक्वल टू, तो इसको चेक करेंगे डिवाइड करके 9800 / 8 तो ये 1225 आ रहा है, 1225 न्यूटन। तो ये आपका आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया। और अब इसी के साथ सबसे लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जरा उस लास्ट क्वेश्चन को ध्यान देने के बाद आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एवरी टॉपिक एवरी इंच पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीलिंग बॉडी ऑफ मास 3.5 kg डिस्प्लेसेस 1000 cc ऑफ वाटर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक बॉडी है और बॉडी का मास आपको दिया गया है 3.5 kg और बॉडी का वॉल्यूम बच्चों आपको दिया गया है 1000 cc। देखो भाई बॉडी को डुबाने पे वो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगी वही उसका खुद का वॉल्यूम होगा, यानी बॉडी का वॉल्यूम आपको ये दिया गया है, ठीक है। व्हेन फुल्ली इमर्ज्ड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी पहला आंसर 1000 cc आ गया। द अपथ्रस्ट ऑफ बॉडी एंड अपरेंट वेट ऑफ बॉडी, तो बच्चों आप देखिए अपथ्रस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी एल जी, वॉल्यूम आपकी 1000 cc है, तो 1000 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में बदल जाएगा और इंटू 10^-3 करेंगे तो मीटर क्यूब में बदल जाएगा और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 10^3 क्या है मीटर क्यूब है और सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अब यहां से बच्चों 1000 से 1000 कैंसिल, -3 से +3 कैंसिल इज इक्वल टू 1 kgf, g1 में लिया है 1 kgf आ गया और आप देख पा रहे हैं कि अपथ्रस्ट की वैल्यू 1 kgf है। इसके बाद वो पूछ रहा है एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट बहुत आसान बच्चों, एपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस कितना हो जाएगा अपथ्रस्ट। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, वेट इन एयर 3.5 kgf है और अपथ्रस्ट है 1 kgf है, तो कितना हो जाएगा 2.5 kgf और आंसर 2.5 kgf दिया। तो बड़ा साथ दिया आपने, काफी मेहनत की। इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है।